बड़े आगे चलो लिख लो भाई, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसमें ये क्या आएगा, एसेंस है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। और यूनिफॉर्मली चार्ज तो है ही, हमेशा है, मैं लिखूंगा नहीं बार बार, इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज। क्या मतलब होता है यूनिफॉर्मली चार्ज का, रो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये मान लिया अपन ना। तो बताओ जल्दी से, पहले तो भाई बताओ आउटसाइड वाले पॉइंट बता दो, आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर। आउटसाइड वाले पॉइंट पे तो सब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है ना, तो यही रहेगा। करो सॉल्व इनसाइड, बताओ ये है क्वेश्चन। तो ये सारे तुम्हें पोटेंशियल बताना है किसी पी पॉइंट पे, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर के डिस्टेंस पे। इस पे टोटल चार्ज है Q, विच इज इक्वल टू रो इन टू 4/3 पाए आर क्यू। बताओ पोटेंशियल इनसाइड कितना होगा। इसको करने के दो तरीके हैं ना, एक तो होलो स्फेरिकल शेल के कारण तुम्हें पोटेंशियल पता है, उसका फॉर्मूला यूज़ करके इंटीग्रेट कर दो। दूसरा तरीका है dV इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई वैक्टर डॉट dr वैक्टर। तो दो मेथड है, किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो पोटेंशियल ड्यू टू, दो मेथड है इसको करने के लिए, पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर को यूज़ कर लो, होलो स्फीयर के कारण जो पोटेंशियल होता है उसके फॉर्मूले को यूज़ करके इंटीग्रेट कर दो। मेथड नंबर टू, dV इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इसको यूज कर लो। चलो ठीक है, फिर करते हैं ना। चलो बताओ सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला चल जाएगा सरफेस पे, तो के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है चलो, मैं इस वाली मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये मेथड तुम्हें SCB में दी हुई है, देख लेना, इससे घर पे जाके खुद से करना, बहुत सारी गलतियां करोगे मुझे पता है। खुद से अगर सही कर लो, दूसरी तीसरी बार में भी खुद से सही कर लो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं हो तो फिर चेक कर लेना। ठीक है चलो हम इससे करते हैं अभी ना। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे अंदर वाले पॉइंट पे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है क्या ये बताओ, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर कितना है, रो आर आर कैप, और डी आर वैक्टर कितना है, डी आर इन टू आर कैप। तो मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल डी वी इक्वल टू क्या है तुम्हारा, माइनस ई आई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। कितना आ जाएगा भाई, आर कैप डॉट आर कैप 1, कितना आ गया तुम्हारा, माइनस रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट डी आर। तो नेट पोटेंशियल चाहिए, मतलब तुम लोग कर क्या रहे हो, मैं सोच रहा था इतना आसान है, इंटीग्रेंट डीवी कर देते हैं, इज इक्वल टू माइनस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, लिमिट बोलो भाई 0 to R रखें या R to 0 रख देते हैं। कैपिटल आर पे मुझे पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल एट कैपिटल आर मुझे पता है, दैट इज पोटेंशियल एट सरफेस। कैपिटल आर पे पोटेंशियल कितना है जो सरफेस पे, वो हमने निकाल रखा है। और हमें कहाँ निकालना है, किसी जनरल आर पे, जीरो से क्यों कर रहे हो, तुम्हें सेंटर पे भी नहीं पता है, तुम्हें यहाँ पे पोटेंशियल पता थोड़ी ना है कितना है, वैसे दिख रहा है जीरो होगा यहाँ पे तो, है ना, क्यों जीरो होगा, मुंडी हिला दी। ऐसे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे घुमाएंगे कि ऐसा तो होगा ना। ठीक है तो हमें तो कहाँ निकालना है, किसी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, वहाँ पे मान लेते पोटेंशियल वी है, लिमिट समझ में आई, लोअर के लिए लोअर अपर के लिए अपर। ठीक है मतलब इतना टाइम लगाने का था नहीं इसमें कुछ, तो क्या आ गया तुम्हारा, वी माइनस वी सरफेस कितना है हमारा, माइनस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। तो क्या आ गया तुम्हारा, वी माइनस के क्यू बाई आर
हमने निकाल रखा है पोटेंशियल एट सरफेस, माइनस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना आया तुम्हारा? अच्छा देखो, अब तुम समझो गड़बड़ क्या हो रही है, एक रो में खेल रहे हैं, एक बार क्यू में खेल रहे हैं, एक में करो ना काम, या तो क्यू के टर्म में करो या रो के टर्म में करो, तो डिसाइड कर लो। क्यू के टर्म में कर लेते हैं, तो बताओ रो को क्या लिखते हैं भाई? प्लस के क्यू बाय आर माइनस है ना, हाँ माइनस। रो को क्या लिख सकते हैं? क्यू बाय 4 पाई बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब स्मॉल आर स्क्वायर माइनस। अच्छा माइनस अगर अंदर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा ना कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। भाई 3 छूट गया है, 2 नहीं छूटा, 3 छूट गया है, 3 एप्सिलॉन नॉट था ना, आर स्क्वायर बाई 2 का ये छूट गया है। चलो ये 2 भी ले लिया, अभी सही है। तो 3 से 3 गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया, के बन गया। ठीक है, तो तुम अपना कितना आ गया पोटेंशियल आ गया के क्यू बाय आर प्लस के क्यू, क्या है के क्यू बाय आर क्यूब है ना, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं के क्यू बाय आर, और अंदर क्या बचेगा के क्यू बाय 2 आर 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये बच रहा है, लिख दो जो भी बन रहा है। क्या बन रहा है? के क्यू बाय कैपिटल आर 1 प्लस 1 बाई 2 है ना, 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो गया 3 बाई 2, 3 बाई 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर है ना। तो ये तो गंदा लग रहा है, थोड़ा और अच्छा लिख देते हैं अपन इसको, ऐसा लिख लो के क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस बाय 2 आर। ये तो बना बन गया, इसको इस फॉर्मेट में याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है पोटेंशियल पिन सेट, ये फॉर्मूला है जो तुम बहुत जल्दी भूलते हो, खतरनाक सा है, गंदा सा है, पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो बना दो भाई, बना दो भाई पोटेंशियल सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ, कैसा आएगा? बन गया। चलो पहले तो देख लेते भाई, जो बोल रहे थे सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो एट आर इक्वल टू जीरो पोटेंशियल एट ओ कितना होगा ना, सेंटर पे अपना पोटेंशियल कितना है, तो जीरो रखो भाई आर को, क्या आया 3 के क्यू बाय 2 आर। तो जीरो है क्या पोटेंशियल सेंटर पे? नहीं है। और पोटेंशियल सरफेस पे कितना आया था, मतलब आर इक्वल टू कैपिटल आर पे के क्यू बाय आर, तो सेंटर पे ज़्यादा है या सरफेस पे ज़्यादा है? इस बार सेंटर पे सरफेस से भी ज़्यादा है, सेंटर पे इतना आएगा, सरफेस पे कुछ इतना आ रहा है ना, सरफेस पे अगर के क्यू बाय आर आ रहा है तो सेंटर पे 1.5 के क्यू बाय आर आ रहा है ना, तो कुछ ऐसा आएगा। ये देखो ये तो पैराबोला वो आएगा ना, पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है ये, और ये फिर एकदम से क्या बन गया तुम्हारा आउटसाइड क्या हो जाता है के क्यू बाय, तो एकदम से ये क्या बन जाएगा, तो ये पैराबोला है यहाँ तक और इसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये आ गया, ये तुम्हारा सरफेस हो गया, सरफेस पे के क्यू बाय आ रहे, सरफेस के अंदर क्या है ये पैराबोला, सरफेस के बाहर क्या है ये हाइपरबोला। ठीक है, अभी ये हो गया ना, ये मिटा दें, ये याद रख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद करने का तरीका देखो है ना, याद रखो पहले तो पैराबोला है अंदर, ये याद रखना। अब देखो, अब पोटेंशियल का फॉर्मेट क्या होता है, के क्यू बाय आर, तो नीचे एक मीटर आना चाहिए, तो ऊपर स्क्वायर आएगा तो नीचे क्या आएगा क्यूब, क्योंकि नीचे मीटर आना है ना, आर स्क्वायर बाय आर क्यूब क्या हो गया 1 बाई आर, नीचे तुम्हें मीटर चाहिए तो ऊपर स्क्वायर आएगा नीचे क्यूब आएगा, ये क्लियर है क्या? अब जहाँ स्क्वायर आ रहा है ना, जहाँ पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट 3 है, जहाँ कोएफिशिएंट 3 है उसका, जहाँ पे पावर 3 है उसका कोएफिशिएंट क्या है 2, समझ रहे हो? अब ऐसे भाई याद रख लो, और क्या ऐसा थोड़ा जब इतना थोड़ा बहुत ही आ जाएगा बाकी तो तुम बना लोगे फिर, पर फॉर्मूला याद रखना है, भूलना नहीं है।
क्लियर है? ठीक, चलो कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग पे ना। क्लियर है भाई? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज डेंसिटी रो है। इसमें क्या कर दिया हमने, इस स्फीयर में एक ग्रुप बना दिया। यहाँ पर क्या करा, एक प्लस क्यू चार्ज रखा मैंने, रेस्ट पे रख के छोड़ दिया। प्लस क्यू नहीं, माइनस क्यू रख दो, प्लस क्यू तो भाग जाएगा ना, भाग जाएगा। यहाँ पर इसके क्या करेगा, एंड पॉइंट पर एक माइनस क्यू चार्ज रख के छोड़ दिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है दो अलग अलग हुए, ये सिलिंड्रिकल ग्रूव है, स्फीयर है उसमें सिलिंड्रिकल ग्रूव है। ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज रखते छोड़े, इसमें फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, तो अंदर जाएगा, यहाँ पे जाकर कुछ ऐसे ऐसे करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम। एस एच एम का टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम पहले तो प्रूव करना है तुम्हें, है ना, प्रूव करो कि एस एच एम है और फिर उसका टाइम पीरियड निकालो और रेडियस वगैरह जो भी जरूरत पड़े ले लो। ठीक है, करते चलो। तो मान लेते हैं भाई तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज कहीं यहाँ आ गया ना, स्मॉल आर डिस्टेंस पे आ गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ई, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, इस पर फोर्स क्यू ई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होती है, रो आर वाई थ्री एफ स्मॉल नॉट, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है चार्ज पे वो कितना हो जाएगा, क्यू ई, दैट इज इक्वल टू क्यू रो आर वाई थ्री एफ स्मॉल नॉट। ये होगा क्या, जब वो आर डिस्टेंस पे फोर्स। ठीक है, और यही तो होता है भाई एस एच एम की कंडीशन, तो यही होती है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा उस डायरेक्शन में देखो, तो आर अपन ने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा मान लो, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आया तुम्हारा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा उस डायरेक्शन में नेट फोर्स है तुम्हारा माइनस क्यू रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। तो ये तुम्हारा देखो, ये वो हो गया माइनस के आर के फॉर्मेट में आ गया, तो के कितना है तुम्हारा, क्यू रो बाय थ्री एफ स्मॉल नॉट। टाइम पीरियड कितना होता है, टू पाई रूट एम बाय के, के कितना है, क्यू रो बाय थ्री एफ स्मॉल नॉट। ये आंसर आ गया, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन था ये। द पार्टिकल सेम क्वेश्चन में, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस द सेंटर ऑफ द स्फीयर, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल When it crosses the center of the sphere, कितना आएगा आंसर बताओ। अरे एस एच एम ही तो है ये, जब सेंटर पे जाएगा तो स्पीड मैक्सिमम होगी एस एच एम में, और वी मैक्स कितना होता है एस एच एम में, ए ओमेगा। और भाई ए कितना है तुम्हारा, आर, क्योंकि तुमने आर डिस्टेंस से छोड़ा है, और ओमेगा कितना है, रूट के वाई एम, ओमेगा इज रूट के वाई एम, तो आ गया आर, के कितना है तुम्हारा, क्यू रो बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट एम, आ गया आंसर। ये उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी जो कि सेंटर पे होगी। तो अब इसमें ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो बस ये फॉर्मूला था अकेला, बाकी तो पूरा एस एच एम है। ठीक है, लिखो लिखो भाई, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सबसे पहले तो ना यू से क्या बता रहे हैं अपन, एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी जो बोलना है बोल लो, पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है यहाँ पे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई क्या है यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक, जो भी नेट इलेक्ट्रिक है, ये तुम्हारी एनर्जी डेंसिटी होती है, ये याद रखना है फॉर्मूला। इसको हम प्रूफ करेंगे जब मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ेंगे, और ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हर तरह की दुनिया की जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबके लिए ट्रू है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर,